हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एनवायरनमेंट। ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, तो ये हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कर लीजिए। ठीक है, इवन अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो वो दोबारा से डिस्कस कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। ओके, तो फर्स्ट पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी वाज फर्स्ट कॉइन बाय द एंडोमोलॉजिस्ट ई ओ विल्सन इन 1986। अकॉर्डिंग टू हिम इट रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट और बायो डाइवर्सिटी में बी डिफाइन एज टोटैलिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ओके, बायोडाइवर्सिटी का जो मीन है, बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ, और डाइवर्सिटी मीन्स होता है वैरायटी। ठीक है, यानी कि लाइफ की डिफरेंट वैरायटीज ऑन द अर्थ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। The variety of plant and animal life in the world or in a particular habitat a high level of which is usually considered to be important, desirable. Okay. एक डेफिनेशन दी थी अकॉर्डिंग टू, एक तो इस तरीके से जो डेफिनेशन हम लिख के आते हैं ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं अगर आपने कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस को भी कोट किया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन इस तरीके से भी आप लिख के आइए, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर डेफिनेशंस को लर्न करना होगा। ओके, और उसको अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि अकॉर्डिंग टू UNEP। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इन्होंने डिफाइन किया, बायोडाइवर्सिटी टिपिकली मीजर्स वेरिएशन एट द जेनेटिक species and ecosystem level. Okay,
तो ये थी डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी की, जो UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन, सॉरी स्टूडेंट, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. बायोडाइवर्सिटी टिपिकली मेजर्स वेरिएशन ऑफ द जेनेटिक स्पीसीज एंड इकोसिस्टम लेवल. ठीक है, लेवल्स. उसके बाद हम बात कर रहे हैं लेवल्स ऑफ द बायो डाइवर्सिटी. ओके, तो लेवल्स में हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज यूजली एनालाइज्ड एट थ्री डिफरेंट लेवल्स, ईच ऑफ विच हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस. ठीक है, सबसे पहला हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, सेकंड हम बात कर रहे हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी, थर्ड हम बात कर रहे हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी. ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एग्जाम में इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके चलिए. ठीक है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को जानने से पहले आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए, और अगर इस तरीके के क्वेश्चन कोई आता है तो आपको बायोडाइवर्सिटी भी डिफाइन करना होगा, उसके बाद इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा. ठीक है, तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में हम बात कर रहे हैं डिपेंडिंग लार्जली अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द अबायोटिक रिसोर्सेज. डिपेंडिंग लार्जली अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द अबायोटिक रिसोर्सेस एंड कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम डेवलप इट्स ओन करेक्टरिस्टिक. ठीक है, कम्युनिटी ऑफ लिविंग, ऐसे एक पर्टिकुलर एरिया है. ठीक है, तो यहाँ पे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस एरिया में, जैसे सपोज ये दोनों एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इकोसिस्टम है उसके हिसाब से डाइवर्स, जो वहाँ पे जो लिविंग बींग्स हैं उनकी लाइफ में क्या है, वेरिएशन देखने को मिलते हैं. ठीक है, अब देखा होगा अगर किस कोई रेनी एरिया है जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे वनस्पति ज़्यादा होगी. ठीक है, अगर कोई रेगिस्तान वाला एरिया है तो वहाँ पे वनस्पति नहीं होगी, और वहाँ पे उसी के हिसाब से फिर क्या है, इकोसिस्टम वहाँ पे डेवलप होता है. ओके, और उसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ये भी कोट कर सकते हैं, अ स्मॉल पॉन्ड कंस्टिट्यूट इकोसिस्टम एंड पजेस ए सेट ऑफ फ्लोरा एंड फौना डिफरेंट फ्रॉम अ रिवर विच इज अनदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम. तो दोनों क्या है, डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम है जिसमें हमने जहाँ पे जो भी लिविंग विंग्स है उनकी लाइफ में वेरिएशन देखने को हमें मिल जाते हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, लेक, रिवर्स, वेटलैंड रिप्रेजेंट डाइवर्स इकोसिस्टम इच विच सॉरी ईच विद डिफरेंट बायोटिक कॉम्पोनेंट, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ. ठीक है, तो यही था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को, और इसके जो फर्दर जो तीन थ्री पार्ट्स और हैं, सेकेंड वो सेकेंड और थर्ड, उसको भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो कि है स्पेसिस डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी, और इकोसिस्टम को और डिफाइन करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. ठीक
किसी भी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक में डिस्कशन करना हो तो वो दोबारा से डिस्कशन कर सकता है, कोई क्वेरी हो तो वो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से हम ऑलमोस्ट अपना सारा सिलेबस फिनिश कर लेंगे धीरे धीरे, और फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा रिविजन सेशन एक तरीके से, ओके। तो होप्स हो कि आप अच्छी से तैयारी कर रहे हो और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। हॉटस्पॉट डाइवर्सिटी और टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी दोनों ही टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे लेवल ऑफ डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, आज के सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट साइंस की, नेक्स्ट इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।